लोहरदगा जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र भवन में रविवार को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव की घंटी कभी भी बज सकती है। इसको लेकर अहम बैठक आयोजित की गई है, जहां आगामी 6 मार्च को लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र घाघरा में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जहां झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम में किस तरह बूथ लेवल तक तैयारी करें और लोगों तक सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाएं, इसकी चर्चाएं होंगी। वो घाघरा में होगा और इसी को तैयारी को लेकर के आज हम यहाँ पर लोहरदगा के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता मंडल के नेता लोग हैं, मंडल मंडल अध्यक्ष हम लोग तैयारी के संबंध में यहाँ पर बैठे हैं और विशेषकर हम कैसे बूथ स्तर तक जाएं। हालांकि हमारे सभी कार्यकर्ता सभी नेता मिल करके विगत दिनों में आपस में समन्वय बनाकर हम बूथ स्तर तक हमारे बूथ कमेटी बनाया गया, हम कैसे वहाँ तक जाएं और जो सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है, जैसे झारखंड एक ऐसा प्रदेश है यहाँ पूरे देश में पहला राज्य है जो 50 साल के उम्र तक पेंशन दे रही है, सर्वजन पेंशन, जो वृद्ध या विधवा को लेकर लगातार पेंशन के मामले में जो मामले आज तक ये इन लोगों को कठिनाई होती थी, ये तमाम चीज़ों को सरकार के द्वारा इसको समाधान किया गया। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि जो भारत सरकार के अंदर की सरकार जिस तरह झारखंड के साथ उपेक्षा किया जाता रहा है, करीब 8.5 लाख आवास जो झारखंड का हमारा कोटा को काट कर दूसरे प्रदेशों को देने का काम किया, पोर्टल 8.5 लाख लोगों का बंद।